स्टार प्लस के यूट्यूब पेज पर आने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस यूट्यूब पेज एंड हिट द बेल आइकन। इतने सारे कुएं, लेकिन इनमें से वो एक कुआ कौन सा है जिसमें पाताल अग्नि झरने तक जाने का रास्ता है? पहले जब हम अंदर आए थे तो सिर्फ एक कुआ था। हाँ, मैंने भी एक ही कुआ देखा था, फिर इतने सारे कुएं कहाँ से आए? जरूर ये कोई छलावा, कोई भ्रम है, या फिर ये तलवार हमें गुमराह करने की कोशिश कर रही है। चले। अंश, अंश, तलवार, तलवार, तलवार कहाँ गई? ये दरवाजा अचानक कैसे बंद हो गया? लगता है तलवार दरवाजे की इस तरफ नहीं आना चाहती। अगर तलवार इस तरफ नहीं आएगी तो हम उसे नष्ट कैसे करेंगे आज? पिया, कोई ना कोई तरीका तो जरूर होगा इस तलवार को इस तरफ लाने का, लेकिन कैसे? पिया, इस तरफ से कोशिश करता हूँ। इसका मतलब दरवाजे के दोनों तरफ दीवार है जो हमें दिख नहीं रही, जो अदृश्य है। तलवार लाने के लिए हमें दरवाजा खोलना पड़ेगा अंश, लेकिन कैसे? तलवार, तलवार कहाँ गई? ऐसे कैसे गायब हो सकती है? वो भी अपने आप। भैया रिलैक्स, अगर तुम्हारे हाथों इस तलवार से मेरा खून बहता तब मैं या मेरा वंश खत्म होता। मुझे बहुत डर लग रहा है, इतना खून बह रहा है तुम्हारा। भैया घबराओ मत, ये जख्म अपने आप भर जाएंगे। देखा, भर गए ना जख्म। जो भी है, तुम्हें मेरे लिए अपना खून बहाने की क्या जरूरत थी? तुम्हें कुछ हो जाता तो? और अगर तुम्हें कुछ हो जाता ना तो मैं जीते जी मर जाता। अंश,
जो भी हुआ उससे एक चीज क्लियर हो गई, ये तलवार नष्ट नहीं होना चाहती। अपने आप को बचाने के लिए ये किसी भी हद तक जा सकती है। हो सकता है ये हम पर हमला करने की कोशिश भी करे, लेकिन हमें इसे जीतने नहीं देना है, चाहे कुछ भी हो जाए। पता नहीं ये बुढ़िया मड़ी लेकर कहाँ चली गई। हमारे साथ ऐसे कैसे हो सकता है यार? हाँ, हमारे जैसे कंचा लौंडे के साथ, मतलब इतनी खोटी किस्मत है हमारी। कैसे तैसे करके हमारी शादी हुई थी इतनी सुशील दक्ष कन्या के साथ। शादी हुई नहीं कि दोनों के बीच में दुश्मनी की लकीर खींच दी गई। अच्छा ये सब हुआ जो हुआ, ये सब तो छोड़ दो, पता नहीं हमारी अम्मा जो है अम्मा कहाँ चली गई। तो दिखता नहीं है, दिक्कत ही हो रही कि रात हो गई तो और अंधेरा हो गया होगा तो और नहीं दिख रहा होगा। तुम्हारी माँ जहाँ भी होगी मैं उन्हें ढूंढ लूंगी, और एक बार वो मुझे मिल गई तो वो मणि काली शक्तियों के पास जाने से कोई नहीं रोक पाएगा। और सनम, मैं मणि ढूंढने जा रही हूं, तुम क्या करोगी इस युद्ध में? काली शक्तियों का साथ दोगी या अपने पति का? काली शक्तियां तुम्हारा मायका है और रीवा वंश तुम्हारा ससुराल। ससुराल और मायके में से चुनने का वक्त आ गया है, फैसला तुम्हारा होगा। हम तो कब का चुन चुके हैं इन्हें। इनके प्यार को, लेकिन पतिदेव जी मैं आज भी एक काली शक्ति हूं और काली शक्तियों की हिफाजत करना मेरा फर्ज है। मुझे माफ कर दीजिए पतिदेव जी, आप एक रीवा वंशी होने का फर्ज निभाइए और मैं एक चुड़ैल होने का फर्ज निभाऊंगी। मिसेज जी, अरे रुक जाओ ना यार। अरे मिसेज जी रुक, लेकिन इनमें से वो एक कुआं कौन सा है जिसमें पाताल अग्नि झरने तक जाने का रास्ता है? पहले जब हम अंदर आए थे तो सिर्फ एक कुआं था। हाँ, मैंने भी एक ही कुआं देखा था, फिर इतने सारे कुएं कहां से आए? जरूर ये कोई छलावा, कोई भ्रम है, या फिर ये तलवार हमें गुमराह करने की कोशिश कर रही है। पहले ये अंदर नहीं आई, फिर इसने हमें मारने की कोशिश की, और जब हम फिर से अंदर आए तो एक कुएं में से इतने सारे कुएं हो गए। पिया तुम सही कह रही हो, ये तलवार हमें आगे बढ़ने से रोक रही है, क्योंकि ये नहीं चाहती कि हम इसे लेकर पाताल कुएं में उतरे और पाताल अग्नि झरने तक पहुंचे। एक मिनट, ये तलवार नहीं चाहती कि हम पाताल अग्नि कुएं तक पहुंचे, तो फिर हमें ये तलवार ही बताएगी किन कुओं में से असली पाताल कुआ कौन सा है। Yes, right. जिस कुएं में इसे ले जाना मुश्किल होगा वही असली कुआ होगा। हुँ.
रहस्य से कुछ मदद मिल सकती थी, पर अब तो इसके भी पन्ने साफ हो चुके हैं। डैड, हम कैसे पता लगाएंगे कि माँ और मोहना को कैसे रोका जा सकता है? ये सब साइंस है सभी। प्रलय तलवार का मिलना, डायन रहस्य के पन्नों का कोरा हो जाना, सब आने वाले प्रलय का संकेत है। किसी भी वक्त युद्ध छिड़ सकता है सभी। आई जस्ट होप कि हंस और गुड़िया जल्द से जल्द उस प्रलय तलवार को ढूंढ लें और उसे नष्ट कर दें, क्योंकि वही एक तरीका है इस युद्ध और प्रलय को रोकने का। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो? अगर युद्ध शुरू हो गया तो? भगवान करे ऐसा ना हो, लेकिन अगर ऐसा होता भी है तो हमें उसके लिए तैयार रहना होगा सभी, ताकि हम बुरी शक्तियों से लड़ सके। लेकिन ऐसा तब तक मुमकिन नहीं है जब तक हमारे पास उनकी कोई कमजोरी नहीं आ जाती। कमजोरी? कैसी कमजोरी डैड? साबी, अगर किसी से उसका हथियार छीन लिया जाए तो वो उसकी कमजोरी हो जाती है। हमें भी उन दोनों का कोई ऐसा हथियार चाहिए जिससे उनकी ताकत कम हो जाए। लेकिन डैड, मोहना तो किसी भी हथियार का इस्तेमाल नहीं करती। लेकिन चुड़ैल तो करती है ना, और हमारे पास चुड़ैल का हथियार है। हमारे मिसेस की चूड़ियां, ये तो काम आ सकती है ना सर जी। हाँ शायद। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।